अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं दोबारा आपके लिए लेके आया हूँ इको स्पोर्ट 2018 मॉडल। और मैं आपको आज इसमें बता देता हूँ कि हमने जो अश्वनी दीक्षित ब्लॉग का जो ब्लॉग्स है 4 नंबर, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया था कि हमने इसी गाड़ी में इसकी हेडलाइट अपग्रेडेशन करी थी, जो कि हमने इसका जो प्रोजेक्टर आता है वो कंपनी से ही HID स्टॉल आती है, और जो इसके हाई बीम है उसमें हमने LED लगाई थी, और जो इसके फॉग लैंप हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये फॉग लैंप हैं जो, इसमें भी हमने LED इंस्टॉल करी थी। लेकिन उसका नाइट विज़न जो इंस्टॉल करी थी, जो हमने हेडलाइट अपग्रेडेशन करी थी, उस समय हम इसके नाइट का जो व्यू था, नाइट में कैसी लाइट की रोशनी आती है, वो हम नहीं बना पाए थे, जिसके लिए बार बार हमें कमिट्स आ रहे थे कि आप एक बार जो आपने पहले इको स्पोर्ट में लाइट हेडलाइट जो थी उसकी वो अपग्रेडेशन करी थी, उसकी हमें नाइट का व्यू दिखाइए कि नाइट में कैसा व्यू आता है। तो वो आज मैं आपको इसका नाइट का व्यू दिखाऊंगा कि फॉग लैम्प में हमने जब इंस्टॉलेशन करी है और हेडलाइट में जो हाई बीम अपग्रेडेशन करी है, उसका जो नाइट का व्यू है वो कैसा आता है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि आप इस हेडलाइट में थोड़ा सा एक स्मोकी कलर देख पा रहे होंगे, ब्लैक स्मोकी कलर, ये हमने करा नहीं है। एक्चुअल में जो ये वाला जो मॉडल है, ये जो वर्जन है टाइटेनियम S वर्जन है ये, तो जो टाइटेनियम S वर्जन जो आता है उसमें ये हल्का स्मोकी कलर आता है लाइट में, और जो इसका टॉप मॉडल जो होता है टाइटेनियम, ओनली टाइटेनियम एक होता है, ये टाइटेनियम S मॉडल है, लेकिन एक आता है इसमें टाइटेनियम मॉडल, उसमें जो ये लाइट होती है उसमें हल्का सा क्रोम होता है तो उसमें वाइटनेस आती है, लेकिन इस लाइट में हल्का सा स्मोकीपन आता है, क्योंकि डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉग लैम्प में ये हल्का सा वाइटनेस आ रही होगी, और आप ऊपर की तरफ जब हेडलाइट की तरफ देखेंगे तो ये स्मोकी, हल्की सी ब्लैक स्मोकी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कंपनी से ही इस तरीके के, इस जो टाइटेनियम S मॉडल होता है उसमें कंपनी से ही इस तरीके की लाइट हेडलाइट जो है वो आती है, तो इसमें हमने कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करा है। लेकिन इसके जो बल्ब्स हैं उसमें हमने अपग्रेडेशन कराया है, क्योंकि जो प्रोजेक्टर हैं ये HID कंपनी से इंस्टॉल्ड है इसमें, और जो हमने हाई बीम है इसकी, इसमें हमने LED यूज़ करी थी और फॉग लैम्प में हमने LED यूज़ करी थी। तो वो दोनों का व्यू मैं आज आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में कि किस तरीके का नाइट का व्यू आता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स में हम गाड़ी में जो भी नई मॉडिफिकेशंस होती हैं उनकी वीडियो हम लाते रहते हैं, तो जो भी वीडियो अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स में आती है वो टाइम टाइम पर आपको मिलती रहें। इसके वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी कमेंट, जैसे कि अभी जो पहले हमारा 4 नंबर का ब्लॉग था उसमें भी हमें कमेंट आया कि आप नाइट का व्यू इको स्पोर्ट का दिखाइए कि लाइट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आती है, तो उसी की वजह से आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो नाइट में हेडलाइट का व्यू कैसा आता है, फॉग लैम्प का व्यू कैसा आता है, वो मैं आपको पूरा ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे वीडियो में मिलते हैं और मैं इसको दिखाता हूँ कि लाइट की, हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। ये मैं आपको अब नाइट का व्यू दिखाने के लिए ऑन द रोड गाड़ी को मैं लेके आ गया हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप आगे की तरफ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, रोड पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं अब दिखा देता हूँ कि लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। गाड़ी ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। ये अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी की DRL ऑन हो चुकी है, और अभी जो कंपनी से जिसके जो फिटमेंट आती है प्रोजेक्टर की, पहले मैं उसकी लाइट को आपको दिखाता हूँ कि उसकी लाइट रोड पर कैसी आती है। अभी तो जैसे कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, इसको निकल जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ इसके प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर है जो कंपनी से HID लगी हुई आती है, उसकी ये परफॉर्मेंस है, आपको आगे की तरफ से दिखा देता हूँ पूरा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉग लैम्प का इसका कैसा रिजल्ट है। अब मैं आपके इसके साथ जलाता हूँ ये फॉग लैम्प, ये हमने फॉग लैम्प ऑन कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके साइड में भी अच्छी रोड की जो क्लियरेंस है वो अच्छी आ रही होगी। मैं अभी फॉग लैम्प बंद कर देता हूँ एक बार, ये मैंने ऑफ कर दी और ये ऑन कर दी,
ये ऑफ कर दी, ये ऑन कर दी, और आप थोड़ा सा पीछे से मैं और दिखा देता हूँ, ये मैंने फॉग लैंप ऑफ करी है और ये ऑन कर दी, तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा वीडियो में आपको समझ भी आ रहा होगा कि रोड पर किस तरीके का फोकस आ रहा है लाइट का। आगे मैं इसके जो हाई बीम है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसकी हाई बीम मैंने ऑन कर दी, ऑफ कर दी, ऑन कर दी, ऑफ कर दी। लेकिन मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको गाड़ी को एक बार और भी थोड़ी सी एक जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो उस जगह लेके चलता हूँ, फिर आपको और परफॉर्मेंसेस की दिखाता हूँ। ये मैं बिल्कुल आपको एक, आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सुनसान गली है, इसमें आगे आपको जो एक इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे होते हैं उनके ऊपर LED जो लाइट होती है रोड पर वो दिख रही होगी, लेकिन उनकी रोशनी भी इतनी रोड पे नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका व्यू आता है। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट है तो अब मैं पहले सबसे पहले इसका प्रोजेक्टर ऑन करता हूँ, या प्रोजेक्टर से पहले पहले मैं आपको फॉग लैम्प दिखाता हूँ। ये इसकी फॉग लैम्प है, ओनली फॉग लैम्प है ये, मैंने अभी प्रोजेक्टर को ऑन नहीं किया है, ये केवल फॉग लैम्प ऑन करी है। मैं पहले इसको अब बंद कर देता हूँ, अब मैं अब प्रोजेक्टर ऑन करता हूँ जो कंपनी से फिटमेंट जिसकी आती है, ये मैंने इसका जो प्रोजेक्टर है जो कंपनी से फिटमेंट आती है वो ऑन कर दिया है। इसके बाद मैं अब फॉग लैम्प ऑन करी है इसकी, जो हमने LED जिसमें इंस्टॉल करी है उसका साइज़ क्या होता है वो स्क्रीन पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा क्या साइज इसका आता है, तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको आ रहा होगा। फॉग लैम्प में जो साइज बल्ब का लगता है LED का, वो साइज मैंने उसको आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। और इसके साथ साथ अब मैं हाई जो बीम में हमने LED डाली है उसका भी क्या साइज आता है वो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये मैं अब हाई बीम माउंट करता हूँ, ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा इसका हाई बीम। ये मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ऑन कर दिया। तो आप बिल्कुल एक रोड पे विजिबिलिटी कैसी आती है आप देख पा रहे होंगे। मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ, ये देखिए मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं। मैं दोबारा सबसे पहले ऑन करता हूँ इसका प्रोजेक्टर, उसके बाद ऑन करता हूँ इसकी फॉग लैम्प, और अब ऑन करता हूँ इसकी हाई बीम। तो आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा फोकस है रोड पर लाइटिंग का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एक बार मैं आपको बाहर की तरफ से भी इसका व्यू दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे कैसा व्यू आ रहा है। और अब मैं पहले ये हाई बीम मैंने बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया, और अब मैं फॉग लैम्प ऑफ कर देता हूँ, ये फॉग लैम्प ऑफ कर दी, ये ऑन कर दी। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैंने बाहर का व्यू आपको दिखा दिया, बहुत अच्छी क्लियरिटी है रोड पर LEDs की। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कई सारे भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने इको स्पोर्ट में जो अपग्रेडेशन करी थी उसकी वीडियो नहीं बनाई रात की, कि किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है लाइटिंग, तो मैंने आपको आज वीडियो बना के दिखा दी है। और इसके साथ साथ मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई म्यूज़िक की परफॉर्मेंस देखनी हो जिसमें हम गाड़ी में म्यूजिक अपग्रेडेशन करते हैं या लाइटिंग अपग्रेडेशन करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उस तरीके की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और किसी भी तरीके की अपग्रेडेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको शो हो रहे होंगे, और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी आइटम की भी ज़रूरत हो या LEDs की, HID की, कंपोनेंट्स की, एनीवे किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो भी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं, या आपको फिटमेंट करानी हो तो वो भी हम फिटमेंट आपके घर पर अपना एग्जीक्यूटिव भेज के उसकी फिटमेंट करा देंगे। तो वो व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।